आज की जो स्टोरी होने वाली है वो एक हिल स्टेशन के ऊपर होने वाली है। ये हिल स्टेशन अपनी खूबसूरती की वजह से और अपनी खूबसूरत जगहों की वजह से फेमस है। लेकिन जब आप इस जगह के बारे में गूगल करते हो तो आपको इस जगह की खूबसूरती नहीं बल्कि इस जगह के हॉररनेस के बारे में बताया जाता है। तो आज इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्या है उस जगह में जो इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी अपनी हॉरर कहानियों के लिए फेमस है। हेलो एंड वेलकम टू सैडीज स्टोरी। डाउ हिल स्कूल जो दार्जिलिंग में हॉन्टेड स्कूल के नाम से भी फेमस है। यहाँ पे रहने वाले स्टूडेंट एंड टीचर बताते हैं यहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं हो चुकी हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि जब आप इस जगह पे आते हो तो आपके मोबाइल नेटवर्क एंड आपका गूगल मैप दोनों ही काम नहीं करता है। विक्टोरिया हॉस्टल के लड़कों ने बताया जब वो रात में स्टडी करते हैं तो उनको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। कभी ऐसा लगता है कि कोई बहुत तेज हंसने लगता है और कभी ऐसा लगता है कि बहुत तेज कोई रोने लगता है। वहाँ के लड़कों ने बताया कि जब वो रात में सोते हैं तो उनको पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कॉरिडोर से कोई बहुत तेज से भाग रहा है जबकि वहाँ पे कोई होता भी नहीं है, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि कॉरिडोर से कोई भाग रहा हो। सबसे क्रीपी एंड हॉरर स्टोरी वहाँ की ये है कि उन लोगों ने आधा सर कटा हुआ भूत भी देखा है। एंड वहीं पे विक्टोरिया हॉस्टल के पास ही एक जंगल है, वहाँ पे उस जंगल को लोग डेथ रोड नाम से जानते हैं। इस जंगल में भी अक्सर ही सर कटा हुआ भूत दिखाई देता है। आज से करीब 2-3 साल पहले विक्टोरिया हॉस्टल की तरफ दो लड़के जा रहे होते हैं लेकिन उनके मोबाइल का मैप काम नहीं कर रहा होता है। वो लोग रास्ता पूछते पूछते स्कूल तक पहुंच जाते हैं। उन लोगों का ये मानना था कि ये सब कहानियाँ सिर्फ मन घड़क है, उनका ये मानना था ये सब कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ झूठ है। शाम भी हो चुकी थी, वो लोग गार्ड के पास जाते हैं लेकिन गार्ड इनसे रात में रुकने के लिए यहाँ पे सीधा सीधा मना कर देता है। उसके बाद वो दोनों लड़के एक किनारे छुपकर गार्ड के जाने का इंतजार करने लगते हैं। जब गार्ड वहाँ से चला जाता है तो ये लोग स्कूल के अंदर इंटर करते हैं। उस टाइम रात के 12:30 हो रहे होते हैं। वहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही थी जिसकी वजह से पूरा माहौल हॉरर माहौल में बदल जाता है। वहाँ के पेड़ झुकने लगते हैं और जब वो स्कूल के अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा अपने आप ही खुलने लगता है लेकिन उनको लगता है ये हवाओं की वजह से हो रहा है। उसी टाइम स्कूल की लाइट्स अपने आप ही जलने और बुझने लगती है। ये देखकर वो लोग थोड़ा सा तो डर गए थे लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं, वो लोग और आगे अंदर जाते हैं। जब ये कॉरिडोर के पास पहुंचते हैं तो इनको एक परछाई दिखाई देती है। परछाई देखने के बाद ये लोग कांपने लगते हैं और ये ना चाहते हुए भी डरने लगते हैं। जब ये दोनों की नज़र उस परछाई के सर पे पड़ती है
तो ये देखते हैं कि उस परछाई का तो सर ही नहीं है। अब ये लोग पूरी तरीके से डर चुके होते हैं। ये दोनों डिसाइड करते हैं भागने का, लेकिन ये दोनों भाग कर जाएंगे भी कहाँ, हर तरफ घने पेड़ पौधे और जंगल से घिरे हुए थे। इन्होंने डिसाइड किया ये गार्ड के घर पे जाके रुकेंगे। गार्ड का घर स्कूल के थोड़ी ही दूरी पे था। ये लोग स्कूल से निकलते ही डायरेक्ट गार्ड के घर में आ जाते हैं। गार्ड के घर में आने के बाद गार्ड इनकी हालत देखने के बाद इनके लिए पानी लेकर आता है। गार्ड को सारी सच्चाई ये लोग बता देते हैं। गार्ड इनको उसके बाद कुछ भी नहीं बोलता है। गार्ड इतना बोलता है कि तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। तो आज वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट हॉरर एंड मिस्ट्री से भरे हुए वीडियो में। तब तक के लिए